भिंड विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बसपा के संजीव सिंह संजू ने अपने झंडा बैनर के साथ सदर बाजार से कलेक्ट्रेट तक हजारों की भीड़ के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे सामने पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी की टक्कर नहीं है और दावा किया कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो वहीं बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा कि अब राम और रावण का युद्ध है। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास तो संसाधन है, पैसा की कमी नहीं है, मेरे पास तो राम की सेना है, मेरे साथ तो वानर, गिलहरी, रिच, पशु पक्षी काम सब जर रहे हैं। तो वहीं राम रावण के युद्ध में विजय राम की हुई थी और उन्होंने कहा कि अब यहाँ भी यही हाल होने वाला है। हमने भिंड का विकास किया है, हमने विकास के काम, जीवन का पहला चुनाव है और पहले ही चुनाव में जनता का वो समर्थन मिल रहा है। ये पुराने जो तीन नेता भिंड में जम गए थे, जिनने अपनी मिल्कियत बना ली थी भिंड को, जिनने अपनी विरासत बना ली थी भिंड को, वो विरासत अब सियासत विरासत में जनता उनको देने वाली। और आपने कहा ये राम रावण का युद्ध शुरू हो चुका है, क्या है? बात तो सही है, राम रावण का युद्ध है। एक तरफ संसाधन है उनके पास, पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लड़े रहे नहीं, मंत्री पहले भी लड़े थे, मंत्री 2003 में मंत्री चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। बहुत जन समर्थन, आप सैलाब देखिए नहीं, मैं समझता हूँ घर से एक व्यक्ति आया होगा, जब जन सैलाब है इतनी मात्रा में जो लोग आए हैं मतदान केंद्रों से, बूथ से, प्रत्येक बूथ से लोग आए हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुशल काम करेगी। भिंड विधानसभा से अपन कितने बहुमत से जीते? देखिए बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।